ATM कहने में जितना आसान, इस्तेमाल करने में उतनी ही सावधानी। बीते कुछ सालों में ATM के जरिए ठगी में इजाफा हुआ है और ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आखिर कैसे ठग इतनी आसानी से लोगों के पैसे निकाल लेते हैं और लोग ठगे जाते हैं, इन ठगों से बचा कैसे जाए, देखिए हमारी आज की टेक टिप में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा विद योर शो टेक टिप। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें आज ऑनलाइन हो गई हैं और इनका पेमेंट जो होता है वो ATM के थ्रू होता है। तो ये प्लास्टिक मनी बेहद कन्वीनियंट होती है, लेकिन बहुत बार फ्रॉड का कारण भी यही प्लास्टिक मनी बनती है। तो आज की इस टेक टिप में हम जानेंगे कि कौन से प्रिकॉशंस रख के हम इस ATM फ्रॉड से बच सकते हैं। मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें जो बेसिक सिक्योरिटी एक पर्सन को होनी चाहिए, वो कौन सी टिप्स को वो फॉलो करके ATM यूज़ करना चाहिए उसे? सबसे पहले तो जब भी ATM के जितने भी फ्रॉड्स हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं, वो यूजुअली हमारी लापरवाही के कारण ही होते हैं। पहला कि हम अगर ATM यूज़ करने में सक्षम नहीं हैं तो आजू बाजू मौजूद अननोन लोगों से हम बोल देते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो इस बहाने क्या, हेल्प करने के बहाने आपका पासवर्ड उनके तक पहुँच जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हाल ही में एक रायपुर पे केस हुआ जहाँ पे ATM का कार्ड उन्होंने धक्का देके गिराया एंड चेंज कर लिया। तो ये भी चीज़ एक पॉसिबल है कि आपने पासवर्ड हेल्प के बहाने उनको बता भी दिया, एंड दूसरा ये भी हो गया कि आपका कार्ड उनके पास चला गया। दूसरा, लोग ये करते हैं कि अंधेरा होने के बाद ATM से पैसे निकालते हैं या एकांत जगह पे कोई ATM हो तो निकालते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करें कि जैसे पब्लिक एरिया में जो भी ATMs अवेलेबल हैं वहाँ से आप निकालें, एंड जैसे मॉल हो गए, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, इस जगह से। अपार्ट फ्रॉम जब हम पेट्रोल पंप पे POS के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड अपने हाथ में ही रखिए, सामने वाले पर्सन को आप अपना कार्ड अलाउ मत करिए। जब भी आप उसमें पासकोड डाल रहे हैं तो उसको हाथ से कवर कर लें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड अभी सबसे एक नुकसानदायक चीज़ आ रही है स्कीमर्स, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, 1500-1700 रुपये की कीमत में आसानी से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ऑनलाइन साइट्स जो इनको सेल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ाने में ये भी हेल्प कर रही हैं। तो एक इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कार्ड एंटर करें, जहाँ पर ATM मशीन में कार्ड लगाने की स्पेस होती है, उसको थोड़ा सा हिला के देख लें। अगर उसमें कोई भी अदर कोई प्लास्टिक बॉडी मूवमेंट आपको दिख रहा है तो वहाँ अपना कार्ड ना डालें, क्योंकि वहाँ स्कीमर्स लगे हो सकते हैं। लेकिन मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम रूरल एरिया की बात ना करें तो बहुत सारे वेल एजुकेटेड पर्सन्स भी इसके झांसे में आ जाते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वेल एजुकेटेड लोग इस चीज़ के झांसे में आ जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया स्कीमर्स, बिल्कुल नॉर्मल ATM जैसा दिख रहा है, उसके अंदर आपको नहीं पता है कि एक्सटर्नल कोई डिवाइस वहाँ पर फिट किया हुआ है, तो ये पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंट एक दिल्ली का फ्रॉड का केस हमारे पास आया हुआ था, उसमें ये था कि कैमरा पीछे लगा हुआ था ATM के ऊपर, वायरलेस कैमरा था, एंड उस वायरलेस कैमरे के थ्रू क्या, आप जब भी एंटर होने के बाद पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो एट अ सेम टाइम वो कैमरा आपके पासवर्ड को पीछे से कैप्चर कर रहा होता था। एंड बहुत सिंपल, जैसे ही पर्सन ATM यूज़ करके बाहर निकल रहे हैं, धक्का दिया, कार्ड नीचे गिराया, आपने कार्ड चेंज कर लिया, एंड अंदर जाने के बाद उस ATM के अंदर से कैमरा निकाला, जो भी उसके अंदर आपके पास डेटा आया, डेफिनेटली पासवर्ड तो मिल ही चुका था। एंड इस तरीके का करीबन 7-7.5 लाख, 8 लाख का करीबन उस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ था। एंड ऐसी घटनाएं रेगुलर बढ़ रही हैं, वो भी अपनी खुद की लापरवाही के कारण। आज की इस टेक टिप में आप कौन सी टेक टिप देना चाहेंगे क्लिपर के व्यूअर्स को कि वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बचा के रख सकें? जैसे ही आपके पास आपका डेबिट कार्ड इशू होता है तो सबसे पहले उस पे बैक पे आप अपना सिग्नेचर कर लें, तो ये कम से कम आपके कार्ड की एक आइडेंटिटी आपको बनाए रखने में हेल्प करेगा। दूसरा कि ATM का जो भी पिन हो, ईजी ना रखें, अपने कार के नंबर, घर के फ़ोन नंबर, किसी चीज़ से रिलेट करता हुआ ना हो, एंड हर 2-3 महीने में इसको अपडेट करते रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ATM पिन किसी तक पहुंच गया है, आसपास संदिग्ध किसी पर्सन को वो चीज़ पता चल गई है, तो आप ये कर सकते हो, ATM कार्ड जैसे ही आपने ATM में डाला, अपना पिन रिवर्स एंटर कर दीजिए, तो ये मैसेज बैंक तक पहुंच जाता है और वो आपका ATM कुछ समय के लिए लॉक कर देता है। इन टेक टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से ATM फ्रॉड से बच सकते हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि आपको अपने ATM के पिन ज़रूरत है बार बार चेंज करने की, तो हर विदिन 15 डेज और अ मंथ आप अपनी ATM पिन चेंज करते रहें। CLIPPER28 के लिए कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा, रायपुर।